हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इक्रामीमन और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पोल्यूशन, वाटर थर्मल एंड सॉइल पोल्यूशन। इसके पहले भी हमने पोल्यूशन ही पढ़ा था, बट उसमें हमने एक अलग कोई पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और हमने नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था आई थिंक, एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एज वेल एज हमने जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर थर्मल एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसके लास्ट चैप्टर में हमने पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझ लिया था। अभी हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो मैरीन पॉल्यूशन होती है, मैरीन पॉल्यूशन यानी जो मैरीन सी वाटर होता है, जैसे हम मैरीन वाटर करिए, सी वाटर करिए, उसमें बहुत सारे तरीके की बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि फाइटो प्लांकटन, जू प्लांकटन, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा फिशेज, व्हेल्स, बहुत कुछ एक्सिस्ट करता है। तो ये हम जितना भी पानी, जितना भी हमारा जो वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करते हैं, जो सीवेज को हम डिस्चार्ज करते हैं, इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत नुकसान हमें होता है। हमें ही नहीं बल्कि मैरीन वाटर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। इनडायरेक्टली हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम फिशेज कंज्यूम करते हैं, उससे वो नुकसान हमारी बॉडी तक भी पहुँच जाता है। अगर हम बात करें कि नियरली 400 बिलियन टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, और उसमें से जो है अक्सर जो है स्ट्रीम्स, रिवर या ओशन में जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, अक्सर यही चीज़ की जाती है। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि वाटर तो पॉल्यूट हो ही रहा है, इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रही है। तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके के वाटर पॉल्यूशन होते हैं। तो उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज़ के बेसिस पर जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि क्या वाटर बॉडी किस तरीके की है, सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है। तो आपको पता है कि अर्थ का जो पानी है करीबन 0.03% जो है वो सरफेस वाटर के रूप में है, बाकी जो जितना फ्रेश वाटर है, अगर आप देखें तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सरफेस वाटर अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ, अगर हम सॉल्टी वाटर को कंसिडर करें तो अराउंड 97% आपको देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप सिर्फ फ्रेश वाटर को कंसिडर कर रहे हैं तो 0.03%। अब बात करते हैं तो ये सरफेस वाटर को जब आप पोल्यूट करते हैं, जैसे कि लेक को, ओशन को, रिवर को, तो ये सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हो, सरफेस वाटर को पोल्यूट कर रहे हो। ये एक तरीके की पॉल्यूशन होगी। जैसे कि आपने अगर एक ऑयल टैंकर से ऑयल बह गया और एक मैरिन ओशन पे जो है ऑयल जो है कलेक्ट हो गया, इससे ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी, मैरिन एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक तरीके की पॉल्यूशन हो गई। दूसरा पॉल्यूशन है ग्राउंड वाटर। हमारे ग्राउंड के अंदर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था, वाटर रिसोर्सेज में अंदर जो है एक्वीफायर्स को स्टोर होते हैं, क्योंकि जो हमारा पानी होता है, ठीक है, बारिश का पानी अंदर पेनिट्रेट करता है और ये स्टोर होता है। तो ये जो पानी स्टोर होता है इसे भी आप पोल्यूट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कैसे पोल्यूट कर सकते हो? जो आप अब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो आपके फील्ड में, ठीक है, अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो अपने फील्ड में, फार्मर्स जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो बारिश के पानी के साथ या इरीगेशन के पानी के साथ ये सीप इन हो जाता है, ठीक है, अंदर सीप इन हो जाता है। पहले तो उसको प्लांट्स भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स को डेफिनेटली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद जितना पानी, जितना ही फर्टिलाइजर अंदर चल जाता है अंडर द ग्राउंड, और नीचे जाके वाटर जो है सेटल हो जाता है, तो ये मिक्स हो जाता है ग्राउंड वाटर के साथ। और फिर जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूटेड हो जाता है ग्राउंड वाटर। दूसरी बात करते हैं, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स में हम देखेंगे पॉइंट सोर्स होता है, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स यानी जब एक जगह से पानी जो है, एक पर्टिकुलर सोर्स है, आपको मालूम है कि कहाँ से पॉल्यूशन फैला है, एक पर्टिकुलर सोर्स है, जैसे कि कोई टैंकर से स्पिलेज हो गया तो पानी फैला, तो ये आपको पता है। जब आपको पता ही नहीं किस सोर्स से फैला, जैसे कि एक फील्ड है उसमें आपने फर्टिलाइजर छिड़का, आपको पता ही नहीं किस सोर्स से जो है फर्टिलाइजर जो है छिड़का गया, तो बेसिकली एक नॉन पॉइंट सोर्स से जब पॉल्यूशन फैलता है तो हम इसे जो है कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। एंड जब पॉइंट सोर्स मतलब कोई पर्टिकुलर सोर्स से पॉल्यूशन फैलता है तो हम इसे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहते हैं। टॉकिंग अबाउट केमिकल कंपोजिशन, तो डिफरेंट तरीके के पानी होते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको पता है सॉफ्ट वाटर में कोई भी तरीके के डिसॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते, आप अक्सर इसको यूज़ करते हो घर में वगैरह में, और हार्ड वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं लाइक कैल्शियम एंड मेटल वगैरह, ठीक है, बाय कार्बोनेट सल्फेट वगैरह भी इसमें डिसॉल्व होते हैं।
कभी कभी ये भी होता है कि आपने जो पॉल्यूशन फैलाया वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी का जो अफेक्ट था वो पूरे सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं रहा, पर दूसरी कंट्रीज में भी फैल जाता है। तो ये ऐसी पॉल्यूशन को हम ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन कहते हैं, जिससे मतलब आप देखेंगे कि जैसे कि जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन का जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो माइल्स तक के ट्रेवल कर सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो इम्पैक्ट आपके पास ज़्यादा पड़ेगा, बट ये इम्पैक्ट जो है ओशंस ट्रैवल करके, नेशनल बाउंड्रीज ट्रैवल करके इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़रूर जो है पहुँच सकता है। टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो आपको इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा लगेगा कि 33% यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर पॉल्यूशन डोमेस्टिक सोर्सेज से होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर आता है 29%, फॉलोड बाई इंडस्ट्री। हमने दूसरे केसेस में पढ़ा था तो इंडस्ट्री वॉज समथिंग विच वॉज द मेजर वाटर मेजर पॉल्यूशन कॉजिंग, बट इन टर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन दिस इज नॉट द केस। इन टर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन डोमेस्टिक सोर्सेज आर द मोस्ट पॉल्यूशन कॉजिंग, बिकॉज द रीजन इज दैट कि आपको देखने को मिलता है कि हम पानी हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, सब्जी पकाना, खाना पकाना, घर में एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग वी यूज़ वाटर। बट द पॉइंट इज दैट कि हम कितना पानी रिसाइकिल करते हैं। हमारे घर में आरओ का पानी, एसी का पानी वेस्ट चल जाता है, हम कभी उसको रियूज़ नहीं करते, रिसाइकल नहीं करते, ना ही रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, टैप चलाते रहते हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक सोर्सेज से जो पानी आता है 99.9% प्योर वाटर होता है। आपने कोई सब्जी धो ली, ठीक है, उसमें पानी पूरा साफ रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो है गंदगी रहती है। तो मतलब बात आती है कि 0.1% ही पोल्यूटेंट रहते हैं, बाकी सब कुछ जो है प्योर वाटर होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम कोई भी तरीके का सीवेज जो है कभी भी कोशिश नहीं करते कि उसको क्लीन करें, और इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हम फैलाते हैं। सेकेंड नंबर पर एग्रीकल्चर डेफिनेटली, बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर इरीगेशन भी हो रहा है, वहाँ फर्टिलाइजर्स भी डाले जा रहे हैं, इससे जो फर्टिलाइजर्स है उससे फर्टिलाइजर से जो वाटर बॉडी है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, इम्पैक्ट उस पर क्रिएट होगा। थर्डली पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पेस्टिसाइड्स भी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, आपको पता है पेस्टिसाइड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स इतने नुकसानदायक होते हैं, आपको पता है आज के टाइम पे जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो पेस्टिसाइड्स है वो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, और पानी एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, तो वो प्लांट्स की बॉडी में एंटर करते हैं, प्लांट्स की बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिजीजेस, ठीक है, इम्यून सप्रेशन, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, बहुत सारी डिजीजे जो है कॉज कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के पेस्टिसाइड्स बताए गए हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन और कंपाउंड्स ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इसमें आपको तीन टाइप्स बताए गए, इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बट हाँ अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट क्लास बताई जा रही DDT है, इसको डिस्कवर किया गया बाय स्विस साइंटिस्ट पॉल मिलर, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला इसकी डिस्कवरी के लिए। सेकेंडली हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में, तो अक्सर ये केमिकल वारफेयर में यूज़ होते हैं, फिर ऑर्गेनो कार्बोमेट्स आते हैं, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन इस बेसिस पे है कि कौन कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, ठीक है, और आपको देखने को मिलता है कि ये जो है बायोलॉजिकली आप प्रिपेयर होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ऑर्गेनो कार्बोनेट्स हैं, ऑर्गेनो फास्फेट्स हैं, तो ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्गेनो क्लोरिन कंपाउंड्स थोड़े से कम जो है पॉइजनस होते हैं, बट हाँ फिर भी वो लोग पॉइजनस भी होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज जो होती है अक्सर रिवर बैंक के पास होती है, ताकि वो लोग डिस्पोज कर सके जितना भी वेस्ट मटेरियल है, और क्लोरिन फ्लोरिन हर चीज़ वो लोग जो है डिस्पोज कर देते हैं पानी के, और ये बहुत नुकसानदायक है, इस तरीके से करना नहीं चाहिए, बट वो लोग कर देते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट कभी कभी गर्म पानी वाटर डिस्चार्ज करते हैं गर्म पानी का, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो हॉट वाटर जाने से क्या होता है, एक हॉट वाटर जो है वो मैरिन में जल जाता है जहाँ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर था, तो वहाँ के एक्वाटिक सिस्टम को, वहाँ के एक्वाटिक लाइफ को हार्म भी कर सकता है, कभी कभी जो है डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सेकेंडली इंडस्ट्रीज भी अलग अलग टाइप की होती है, जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है उसमें तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि हम बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है कि एक जगह पे जहाँ से आपको पता है कि गोल्ड का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, गोल्ड से एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप साइनाइड वहाँ पर डालते हो, साइनाइड आप सोच सकते हैं कितना नुकसानदायक होता है, इट इज़ अ पॉइजन। तो साइनाइड जो है वहाँ पर डालते हो जहाँ पर आपको गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करना है, और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए वहाँ पर साइनाइड डालने के बाद क्या होता है पता है आपको, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ से गोल्ड तो बाहर आ जाता है लेकिन ये साइनाइड वहाँ सॉइल में रह जाता है, और जब वाटर आता है मतलब आप देखेंगे प्रिसिपिटेशन होगा, बारिश आएगी, तो ये डिजॉल्व होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड वाटर में पहुँच जाएगा। तो माइनिंग इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट कर रही है, किसको, सॉइल को भी कंटेमिनेट कर रही है, वाटर को भी कंटेमिनेट कर रही है। ऑयल रिफाइनरीज भी एक बहुत लीडिंग इशू है, आपने कभी देखा होगा कि रास्ते से ऑयल का कोई टैंकर जाता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑयल के टैंकर में से ऑयल गिरते रहता है। सिमिलरली जब शिप्स के थ्रू जो है ऑयल जो है ट्रांसफर होता है, तो उसमें भी ऑयल लीकेज के बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलता है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो 12% तो आपको जितना भी पॉल्यूशन होता है वो अगर हम बात करें तो किस वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है। उसके अलावा कभी कभी एक्सीडेंट नहीं भी हो तो ऑयल का लीकेज हो जाना ये चीज़ जो है कॉमन है। तो जब ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप देखेंगे कि ऑयल का लीकेज हो गया और पानी से हल्का होता है ऑयल, ठीक है, ये वाटर है आपका, ठीक है, ये वाटर है एंड देन यू हैव ऑयल। सो टॉकिंग अबाउट, ये वाटर है और ये ऑयल है, तो ये जो ऑयल है जब ऊपर की लेयर थिन लेयर फॉर्म कर लेता है, तो जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होना चाहिए पानी में और जाना, जिससे जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कौन कौन एक्योर करते हैं, जो हमारे एक्वेटिक सिस्टम में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब एक्योर करते हैं, लेकिन जब ये थिन लेयर पे फॉर्म हो जाएगी, कोटिंग फॉर्म हो जाएगी तेल की, तो ये ऑक्सीजन डिजॉल्व ही नहीं होगी पानी में, और फिर ये फिशेज वगैरह किस तरीके से जो है इसको एब्जॉर्ब करेंगे। दैट इज द रीजन कि ऑयल से जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनकी जान जा सकती है, और ऑयल स्पिलेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है मैंने आपको पहले ही समझाया था लास्ट चैप्टर में, हमने जब न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में समझ रहे थे, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जब ये जनरेट होता है तो इससे बहुत ज़्यादा तरीके के आप देख सकते हैं डिजीजेस कॉज हो जाते हैं, और ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर दो तरीके के हैं, सेलाफील्ड और कालाग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं रेडियो वेस्ट जनरेट होते हैं, और रेडियो वेस्ट मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल को तक अल्टर कर सकते हैं, इससे जनरेशन टू जनरेशन जो है आपको अफेक्ट देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर आपको एक तरीके से पूरा एक वाटर पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स दिए गए हैं, इसमें आपको एंटीमनी मर्क्यूरी बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इसके सोर्सेज दिए गए हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, उसके बाद इसके इम्पैक्ट क्या है ये आपको दिखाए गए हैं। सो आई बी शॉर्ट इन दिस, बिल्कुल क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। आपको एंटीमनी दिया गया है, एंटीमनी आपको अक्सर ई वेस्ट से मिलता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह, एंड इससे जो है आपको देखने को मिलता है पॉइजनिंग हो सकती है, दिस इज द पॉइजनस एलिमेंट फॉर ह्यूमंस। नाउ टॉकिंग अबाउट मर्करी, सो मर्करी जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे थर्मोमीटर में मर्करी यूज होती है, ठीक है, और अगर मर्करी हमने जो है इंजेस्ट कर ली हमारी बॉडी में चले गई, तो हमारी बॉडी में जाने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इफेक्ट हो जाता है, जिससे न्यूरोपैथी डिजीज नाम का हो सकता है। इसके बारे में केस है मिनीमाटा इंसिडेंट, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह में आपको पाया जाता है, और आर्सेनिक अगर हमने कम 70 मिलीग्राम आर्सेनिक भी हमने जो है कंज्यूम कर लिया, सो इट कुड बी लेथल फॉर अस, इट कुड बी लाइफ टेकिंग, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अस। नाउ टॉकिंग अबाउट कैडमियम, तो कैडमियम जो है ये भी बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, और ये अगर इसको हमने कहते हैं कंज्यूम कर लिया, तो सिमिलरली इससे ज़्यादा कंज्यूम करने से इससे पॉइजनिंग हो सकती है, कम कंज्यूम करने से वेरियस डिजीजेस हो सकती हैं। क्रोमियम अगेन वेरी वेरी लेथल, क्रोमियम हम देखेंगे कि क्रोमियम से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है डर्माटाइटिस, लंग कैंसर, ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, और अगेन दिस इज़ यूज इन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। टॉकिंग अबाउट लीड, लीड जो होता है जो है प्लास्टिक वगैरह में और अक्सर जो है आप देखेंगे व्हीकल एमिशन से बाहर आता है, तो लीड जो है हमारे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट कुड लीड टू वेरियस सॉर्ट ऑफ डैमेजेस टू आवर ब्रेन एज वेल एज इट कैन ऑल्सो लीड टू कोमा एंड डेथ। टॉकिंग अबाउट निकल, निकल जो है बैटरी वगैरह बनाने के लिए और अक्सर जो है कॉपर वायर्स में यूज़ होता है, आपको पता है, तो ये जो है निकल वगैरह जो है इससे आपको क्या होता है, इससे आपको अस्थमा लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। बरीलियम, टॉकिंग अबाउट बरीलियम, इट इज़ यूज इन डिफेंस इंडस्ट्रीज, और इससे भी आपको नुकसान हो सकता है, अलग अलग तरीके की एलर्जी हो सकती है, ठीक है, तो ये आप जो है डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा जो है आप देखेंगे इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट अबाउट लेथल, बट ऑल्सो एल्यूमिनियम अगर आप कंज्यूम ज़्यादा कर दो, सो इट कुड लीड टू वेरियस प्रॉब्लम लाइक इट कुड लीड टू द डैमेज टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड एक और डिजीज़ हो जाता है जिसे हम शेवर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, अगर हमने सिलिका और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन को जो है यू नो इंजेस्ट कर लिया या फिर इनहेल कर लिया, तो देर आर वेरियस हम चीज़ें यूज़ करते हैं, घर में भी हम एल्यूमिनियम को अक्सर यूज़ करते हैं। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और डेफिनेटली अगर ये हमारी बॉडी में जाता है सो इट कुड लीड टू हेल्यूसिनेशन, लैक ऑफ मेमोरी एंड एक्सेट्रा थिंग्स, एंड दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होंगे, बट अगर आपको एग्जाम में मेंशन करना है यू कैन मेंशन अ फ्यू ऑफ देम। टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेसिकली ये पढ़ लेते हैं,
इसका मतलब ये होता है कि जब फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का जो है एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, इट मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन, ऐसा किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। हम जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, दे गो एंड गेट डिजॉल्व इन द वाटर बॉडीज, उस वजह से भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब यूट्रोफिकेशन होता है तो जब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का जो है कंपाउंड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और आप देखेंगे कि एक जगह पे आप देखेंगे कि वाटर का कलर ही चेंज हो जा रहा है, वाटर का डिस्कलरेशन हो जा रहा है, और इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब जैसे कि आपको दिखेगा कि पानी कैसा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, राइट। सो दिस इज नोन एज एल्गल ब्लूम, और इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि एल्गी वगैरह का ज़्यादा जो है आपको और डिकम्पोजर्स का ग्रोथ जो है बढ़ जाता है, और इससे जो है नुकसान पहुंचता है दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को, फिशेस वगैरह को। तो इस तरीके से हो सकता है, कभी कभी कुछ इस तरीके के भी होते हैं एल्गल ब्लूम विच आर वेरी डेंजरस, एंड इसका नाम जैसे कि अलेक्सेंड्रियम और कैरेनिया बताया गया है आपको। तो इसमें अक्सर हो सकता है कि पानी का कलर रेड या ब्राउन भी हो जाए, इसको हम अक्सर रेड टाइड भी कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट बायो अक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, तो ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन मतलब जब आपकी बॉडी में अगर आप कोई चीज़ एंटर करेगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है एक प्लांट में फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डाला है, अगर वो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड उसकी फूड चेन अगर वो एंटर हो जाता है प्लांट की बॉडी में, एंड देन इट गेट्स एंटर इन टू द फूड चेन, बिकॉज प्लांट्स को अल्टीमेटली प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, देन इट विल बी कंज्यूम बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, देन यू विल कंज्यूम दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओके। सो ये एक चेन चलेगी, तो बेसिकली ये फूड चेन में जो है आ चुका है फर्टिलाइजर। अब जब ये फूड चेन में आ चुका है तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो है इंक्रीज होता जाएगा, ओके। हर एक बॉडी के अंदर इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा द अमाउंट ऑफ केमिकल, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक और टर्म यहाँ पर दिया गया है बायो कॉन्सेंट्रेशन। बायो कॉन्सेंट्रेशन रिफर्स टू कि जब आपकी बॉडी में कोई केमिकल सब्सटेंस पानी के थ्रू चल जाता है, अगर आपने सिंपली वाटर को कंज्यूम किया है बट अगर उसमें कोई ऐसा कंपाउंड आपकी बॉडी में चले जाता है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको स्लो पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं वो कॉज कर सकता है। बायो मैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इससे मतलब मैंने आपको बताया हर ट्रॉफिक लेवल पे आपको पता है फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, T1, T2, T3, T4। सो टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, सो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉल्यूटेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज केमिकल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्रो होते जाएगा एंड इट विल कॉज वेरियस रिएक्शन। तो द रीज़न इज़ दैट कि आप अगर देखते हैं कि आज के टाइम पर आपको जो है कंटेमिनेटेड दूध भी आजकल मार्केट में मिलता है जो कंटेमिनेटेड होता है, तो बेसिकली ये जो दूध होता है ये दूध भी जो है आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज द केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स लाइक DTT, ठीक है, इस तरीके की पॉल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में जो है पहुँच सकते हैं और फिर आपकी बॉडी जो है वेरियस आपको जो है डिजीजेस हो सकते हैं लाइक ब्लड एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। सो देयर कुड बी एनी सोर्स जिससे आपकी बॉडी में जो है ये सब सब्सटेंसेस एंटर हो सकते हैं। देयर कुड बी मिल्क, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी प्लांट्स, इट कुड बी एनिमल्स, किसी भी चीज़ के थ्रू आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें पहुँच सकती है, एंड जैसे ही आपकी बॉडी में ये चीज़ें पहुँचेगी यू विल सर्टेनली हैव सम रिएक्शंस। टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल पोल्यूशन, तो वाटर जैसे कि आपने देखा होगा कभी टाइफाइड हो जा रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे डिजीजेज यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सब इसलिए होता है। आप देखेंगे जॉन्डिस वगैरह, तो दैट्स अनदर थिंग, बट आप देखेंगे कोलेरा वगैरह होता है, तो ये सब इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दी वाटर, जिसमें आप देख सकते हैं जो कंटेमिनेटेड हो या जिसमें पैथोजेंस है, ठीक है। तो इससे भी आप देखते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे डिजीजेज जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। तो आपको हुआ होगा कभी लाइफ में अगर कोई भी डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड अक्सर जो है कॉमन होता है, तो बेसिकली ये सब इसलिए होते हैं बिकॉज जो पानी हम कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ पैथोजेंस हमारी बॉडी में उसके थ्रू एंटर करते हैं। तो हम उस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डिटेल्स में कुछ दिए गए हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस, तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है और यहाँ जो है इसके बारे में जो है आपको बताया जा रहा है कि इससे होगा क्या, क्या कॉज होता है, एंड इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है। ई कॉली इन्फेक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा कॉलेरा जिसका हम कहते हैं, इस्केरिया कॉली द्वारा जो है ये कॉज होता है, एंड इट कैन कॉज डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। वैसे इसमें आपने बाकी सारे नाम नहीं सुने होंगे। डाइसेंट्री जो है, डाइसेंट्री भी आपने सुना होगा, और इसमें जो है वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके अलावा कोलेरा, कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है, एंड इट कैन कॉज इन नोसिया, क्रैम्स एक्सेट्रा,
सो ये टाइफॉइड जो है मैंने आपको बता रही थी, सेल्मोनेला टाइफी द्वारा कॉज होता है। इससे हाई फीवर आता है, स्वेटिंग होती है, इट कैन ऑल्सो लीड टू रैशेज एंड इट इफ इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट कुड ऑल्सो लीड टू डेथ। ओके, तो ये सब हो गए प्रोटोजोन से कॉजिंग डिजीजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट वायरल इन्फेक्शन, तो कुछ चीज़ें वायरस के थ्रू भी होती है। लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में दिया गया है, तो हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू होता है। इसमें आप देखेंगे एब्डोमिनल पेन वगैरह आपको देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर डिजीजेस, लाइक यहाँ पर आपको डिफरेंट डिजीजेस दिए हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब मूविंग अहेड, देर आर वेरियस अदर डिजीज ऑल्सो, जैसे कि इताई इताई डिजीज नाम का एक डिजीज हुआ था, एक केस है ये जापान के अंदर। यहाँ पर लोगों को जो है जॉइंट में पेन होने लग गया था, तो लोगों कह रहे थे, लोग इसका नाम रख रहे थे इताई इताई, ठीक है, अब उसके उनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ होता होगा, बट बाद में पता चला कि ये कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। तो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी माइनिंग कंपनीज कैडमियम को जो है पानी में रिलीज कर दे रही है, वही पानी लोगों के घर में आ रहा है, जिस वजह से कैडमियम पॉइजनिंग हो चुकी है, और इससे बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जा रहे हैं एंड किडनी फेलियर हो जा रहा है। तो जैसे वो द मोस्ट प्रोमिनेंट केस, अब मैंने आपको ऊपर बताया था मिनामाटा केस के बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी के अंदर, जब मैंने आपको बताया था तो मर्क्यूरी के अंदर मिनामाटा केस इस तरीके से होता है कि एक आगे इसके बारे में आई थिंक डिटेल में दिया गया है, दैट इज मे बी इन द लास्ट चैप्टर जहाँ पर दिया गया है मिनामाटा केस के बारे में डिटेल में। तो जापान के अंदर ही जो है ये आपको केस देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, लोगों को लगता है कि मतलब उनकी जो है मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद डॉक्टर सोचते हैं कि कुछ मे बी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है इंडिविजुअल प्रॉब्लम में, लेकिन बाद में जाकर जब रिसर्च की जाती है तो पता चलता है दिस इज ड्यू टू मर्करी पॉइजनिंग। तो मर्करी पॉइजनिंग मतलब ये देखने को मिलता है कि मर्क्यूरी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पोज ऑफ हो रही थी इन दी वाटर एरियाज वाटर बॉडीज, तो वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि मर्क्यूरी लोगों को जो है कंज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे थे लोगों को। तो इससे जो है आपको देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई और बहुत सारे लोग जो है सफ़र करते रहे इन दी यू नो जनरेशन टू जनरेशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द मिनामाटा केस इन जापान। नाउ मूविंग अहेड, ब्लैक फूड डिजीज एक डिजीज़ होता है जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ताइवान में मिलता है। इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि इंसान की जो हाथ पैर होते हैं इसमें आपको देखने को मिलता है क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर आपको देखने को मिलता है कि देर में भी नमनेस इन योर हैंड्स एंड एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज ब्लैक फूड डिजीज। सो ये भी किस वजह से होता है, ये होता है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दी कंजम्पशन ऑफ दी आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। मैंने आपको बताया था आर्सेनिक के बारे में ऊपर, दिस इज़ वन ऑफ द पॉल्यूटेंट, तो आर्सेनिक जो होता है दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, तो इसको कंज्यूम करने से भी आपको देखने को मिलता है दैट इट कॉज पॉइजनिंग इन योर बॉडी एंड आपको बहुत सारे तरीके के डिजीजेज इससे हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मैथिमो ग्लोबिनेमिया, दिस आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेज, आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो मैथिमो ग्लोबिनेमिया इज वेन द रिलीज ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फर्टिलाइजर्स है ये जो पहले तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन यू विल कंज्यूम द प्लांट्स, यू विल कंज्यूम द फ्रूट्स एंड देन ये जो नाइट्रेट्स है ये आपकी बॉडी में चल जाएंगे। नाइट्रेट्स जो है आपके बॉडी में जाकर नाइट्राइट फॉर्म करेंगे, फिर ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होंगे, देन इट विल फॉर्म अ सब्सटेंस नोन एज मेथामोग्लोबिन, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोक्साइड से अगर कंबाइन होगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, एंड अगर किसी भी चीज़ से हेमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा तो उसका जो फंक्शन है दैट द फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी वो नहीं कर पाएगा, एंड इफ इट नॉट बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैरिंग आउट ऑक्सीजन इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इट कुड लीड टू दी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, ठीक है, आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो सकती है, डायरिया वॉमिटिंग हो सकती है, और यू कैन फील लाइक कि आपको सांस की कमी हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द डिजीज जिसमें आपके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स जो है आपकी हेमोग्लोबिन के साथ जो है कंबाइन हो जाते हैं, एंड दिस इज स्पेशली इन यू नो इन द इन्फेंट, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत कम हेमोग्लोबिन होता है, तो कभी कभी जो बच्चे हैं वो ब्लू पड़ जाते हैं, मतलब द बॉडी उनके बॉडी के अंदर जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है, एंड अगर इमिडिएट केयर नहीं की जाती है सो इट कुड बी लेथल, सो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हमें ये देखना है कि ये सब तो हो गया पॉल्यूटेंट्स, अगर हमें कोई वाटर का बॉडी, वाटर बॉडी में ये देखना है कि इतना पोल्यूशन है उस वाटर बॉडी में, तो हम कैसे देखेंगे ताकि हम नुकसान से बच सकें, बिकॉज अगर हम वाटर बॉडी को टेस्ट कर लेंगे तो फिर हम उसको जो है फिल्ट्रेट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे ताकि ह्यूमन की लाइफ जो है वो जाने से बच जाए।
टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, ये एक तरीके से चेक किया जाता है, जैसे हम BOD कहते हैं। तो किस तरीके से मेजर किया जाएगा, आप देखते हैं, अगर एक जगह पे पोल्यूशन है, ठीक है, एक जगह पे पोल्यूशन है, तो जहाँ पर BOD कम रहेगा मतलब वहाँ पॉल्यूशन कम है, जहाँ BOD ज़्यादा रहेगा मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ऑक्सीजन एक एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए। आपको पता है बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक नॉन एरोबिक अनएरोबिक होता है, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर्स द ऑक्सीजन, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए जितना भी मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए इन 5 days। तो चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है। तो अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये है कि यहाँ का वेस्ट भी ज़्यादा है, तभी तो डिमांड ज़्यादा है। तो बायोडिग्रेडेबल मैटर ज़्यादा है वहाँ पर, इसका मतलब तभी तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द टेस्ट जहाँ पर आप कर सकते हैं, BOD से टेस्ट कर सकते हैं वेदर इट इज़ देयर और नॉट। तो अगर हम रॉ सीवेज मतलब हमारी जो सीवेज होती है उसका अगर हम चेक करें तो 100 तक जा सकती है। 1971 तक के रिकमेंडेड BOD लिमिट कितनी थी फॉर अ पोर्टेबल वाटर, मतलब हमारे घर में भी जो पानी होता है उसकी भी कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, तो कितनी होना चाहिए, समथिंग 6 mg/L, ठीक है। अभी कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है, तो अगर आप अपने घर में अभी तो चेक नहीं कर सकते हैं, बट बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इसे आप पता लगा सकते हैं वेदर योर वाटर इज सेफ टू ड्रिंक और नॉट। सेकेंडली है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये होता है कि समझ लीजिए एक पानी है, एक पानी के अंदर कितना ज़्यादा मतलब कितना ऑक्सीजन की डिमांड लगेगी, ध्यान से समझना, कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिससे उसमें प्रेजेंट जो केमिकल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स जब अपने नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल सुवेज के केस में अगर हम देखें। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है इंडस्ट्रियल सुवेज के केस में, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की भी ग्रोथ नहीं हो, ऐसा पानी है, तो वहाँ पर हम COD को यूज़ करते हैं। और COD जो है बहुत कम घंटों में हो सकता है, और इसमें जो है आपको देखने को मिलता है कि जो पानी है, ये पानी को बॉयल किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, कोई भी एक ऑक्सीडेंट के साथ। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ रही है उतना ज़्यादा पानी क्या है, पॉल्यूटेड है, समझ रहे हो ना आप। मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर केमिकल होंगे उतना ज़्यादा उसको ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि पॉल्यूटेंट, अगर आपको पता चल गया कि भाई इतना पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट की ज़रूरत पड़ रही है, इट मीन्स दैट कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल है। सो दिस इज़ वन ऑफ द केस ऑन COD एंड BOD, दो तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, अवेयरनेस के लिए भी आपको ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही है। सेकेंडली लेजिस्लेशन, लॉ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लॉ से आप कंट्रोल करो, जहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रिंजेंट लॉस आप लगाओ इन्वायरमेंट के ऊपर, जिससे आप जो है देख सकते हैं कि जिससे लोगों को नुकसान ना हो। और ये सिर्फ कंट्रीज़ की बात नहीं है, ये इन ट्रांसनेशन में भी जो है ये सब चीज़ें जो है फैलने वाली हैं। और बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन साइन भी किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप ये पढ़ लेना, इसमें सिर्फ नाम लिखे गए हैं, आपको एग्जाम में मेंशन करने के लिए अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जिसे हम कहते हैं 1971। तो ये दो तरीके के एक्ट जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने किए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि कितना चीज़ जो है हमारे पानी में जो है मौजूद है तो हम उसको पी सकते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, तो कितने मिलीग्राम, समझ लीजिए आयरन जो है 0.3 mg मौजूद रहा तो इट्स इट्स ठीक है, चल जाएगा, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको जो है दिया गया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर दिस, बस आपको देख लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट गंगा एक्शन प्लान, सो वॉट इज़ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान आपको पता है इंडिया के अंदर गंगा इज़ वन ऑफ द रिवर जो कि क्या कहते हैं थोड़ी सी वर्शिप की जाती है, होली समझी जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से ये और ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। अगर हम इसे क्या कहते हैं लोग जो है इसमें अस्थियाँ बहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट रोक भी नहीं सकती, बिकॉज कल्चर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कुछ भी चीज़ नहीं रोकी जा सकती, बट इससे बहुत पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि इसका पानी जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ पर हर जगह जो है पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। हर हर डे के इसके अंदर 1300
मिलियन लीटर ऑफ स्वेज जा रहा है और 250 मिलियन लीटर ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स आपको देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो मिल ही रहा है बट मोस्टली इस वजह से इसका पोल्यूशन है। इसमें मैंने आपको बताया एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कल्चरल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, रिलीज ऑफ डेड बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो एक कल्चरल प्रैक्टिस जो है अस्थि बहाने की, उस वजह से जो है आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स की जो है क्या कहते हैं इसमें अस्थियाँ बहाई जाती है। दैट इज़ द रीज़न वन ऑफ द मोस्ट कि इससे जो है क्या कहते हैं पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इंडस्ट्री का तो डेफिनेटली है ही एफ्लुएंट्स आना, और आप देखेंगे कि बाकी सब जो इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो हम डोमेस्टिक चीज़ें भी जो सुएज होता है वो भी इसमें आप जो है पोर अप कर देते हो ना। टॉकिंग अबाउट क्रीमेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया बर्नड या हाफ बर्नड बॉडीज़ जो है यहाँ पर डाल दी जाती है, सरफेस रन ऑफ भी यहाँ पर क्रिएट होता है। टॉकिंग अबाउट यमुना, यमुना तो आपको पता है द डर्टीएस्ट रिवर है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि गंगा एक्शन प्लान किस तरीके से है। तो गंगा एक्शन प्लान के लिए सबसे पहले ये कैलकुलेट किया गया कि करीबन, देखिए सोच सकते हैं आप, करीबन 1,90,000 किलो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स और 1,30,000 किलो ऑफ नहीं 13 लाख किलो ऑफ केजी ऑफ 10,90,000 एंड 13 लाख केजी ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल एफ्लुएंट्स जो है हर साल यूपी से ही रिलीज होते हैं इन गंगा। तो पहली बात तो 1985 में शुरुआत हुई इस प्लान की, फिर बाद में जाकर 1995 में हुई, तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और बाद में जाके नेदरलैंड और जापान की गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया इस चीज़ के लिए। और अब देखने को मिलता है कि अब जो है नया प्लान निकाला गया है NGRPRA, मिस 100 मिलियन जो है गंगा और गोमती और यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए जो है दिया गया है। 100 मिलियन आप सोच सकते हैं कितना पैसा जो है दिया जा रहा है, उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं अभी भी जो है रिवर्स जो है क्लीन नहीं हो रही है। और हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे जो है सजेशन किए गए कि माइक्रो डैम्स आप बना लो, ठीक है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन की प्लानिंग करिए, उसके बाद है ना रिवर साइड इंडस्ट्रीज़ का ख़त्म करनी है, पानी जो है बैराज में कम स्टोर करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप शुरू करें। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद से जो है अब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के अंदर जो है नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च करती है 2015 में, और मोदी जी द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाता है और 20,000 करोड़ रुपये फिर इसमें जो है लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। तो होता ये है थर्मल एज द नेम सजेस्ट हीट होता है, ठीक है। और थर्मल पॉल्यूशन रिफर्स टू कि जब आप पानी के द्वारा मतलब गर्म पानी के द्वारा आप जो मैरीन सी होते हैं या फिर वाटर बॉडीज होती है जब आप उनका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देते हो ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ द एफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्री, इसे हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स बहुत सारे तरीके के पानी को यूज़ करके कूलिंग एजेंट करती है, जैसे कि उनकी जो मशीनरी गर्म हो जाती है उससे उसको कूल करने के लिए पानी को ऐसा कूलिंग एजेंट यूज़ करती है, ये पानी को वो लोग जो है डिस्चार्ज कर देती है इन दी वाटर। इससे होता क्या है कि पानी का टेम्परेचर जो है वाटर बॉडी का 10 से 15 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और वहाँ के एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो इससे आपको देखना है कि इसे प्रिवेंशन करने की आपको क्या ज़रूरत है और इसके ट्रिक्स क्या है वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो अभी पहले समझते हैं कि हमें इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। तो पहली बात तो ये होगा कि स्मॉल एनिमल्स फाइटोप्लांकटन जू प्लांकटन जो अडेप्ट नहीं कर सकते अपने आप को वो तो जो है मारे जाएंगे। सेकेंडली बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की सेल वॉल भी अफेक्ट होने वाली है और उसके अलावा उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट हो जाएगी। और साथ साथ जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है एक पर्टिकुलरली जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो हॉट वाटर के डिस्चार्ज से कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम BOD टेस्ट करते हैं, मैंने आपको ऊपर दो तरीके बताए थे COD एंड BOD। तो इससे क्या होता है BOD लेवल डिमांड बढ़ जाता है, इट मींस दैट कि आपका जो है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, इट मींस दैट कि आपको एक्वेटिक एनिमल्स को जो है सफोकेशन होने लग जाता है वहाँ पर और इस वजह से वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हॉट वाटर से एक्वेटिक सिस्टम जो है टॉक्सिक एनिमल्स टॉक्सिक केमिकल्स की जगह भी बन जाती है जहाँ डेवलप हो सकता है, बिकॉज पानी ठंडा रहे तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन पानी थोड़ा सा वार्म हो गया तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ग्रो अप होने लग जाएंगे। तो इससे हम देखते हैं कि ओवरऑल सिस्टम एक्वेटिक का जो है इफेक्ट होता है। अगर हमें कंट्रोल करना है इसे तो हम जो है इंडस्ट्रीज़ को तो ये बोल नहीं सकते कि भाई आप पानी मत डिस्चार्ज करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो है गर्म पानी जो है डिस्चार्ज करना ही होगा उनको, लेकिन कुछ तरीके हम ऐसे अपना सकते हैं जिससे कंट्रोल हो। तरीके ये हो सकते हैं कि एक बड़ा सा टैंक बनाने के लिए हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि आप जब पानी आपको डिस्चार्ज करना ही है तो थोड़ा टैंक
एटलीस्ट एक दिन आप स्टोर करके रखो तो पानी जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एक तरीका ये हो सकता है। और या फिर जो है कूलिंग टावर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे पानी जो है ठंडा हो जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है थोड़े से, मतलब दो तरीके के वाटर सिस्टम होते हैं, एक लैंटिक होता है एक लोटिक होता है, तो आप लोटिक वाटर सिस्टम में डालिए, मतलब जो पानी जो है स्टैगनेंट नहीं है बल्कि रनिंग वाटर सिस्टम है, आप वहाँ पर से डिस्चार्ज कीजिए, इससे जो है ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉइल पॉल्यूशन, तो सॉइल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने सॉइल के बारे में समझा था, सॉइल क्या होती है, सॉइल को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, वो भी हमने सब पढ़ा था। और डिपेंड करता है कि किस जगह की सॉइल किस फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, उससे जो है डिपेंड करती है किस तरीके की सॉइल बनेगी। हमने ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल सबके बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, एक तो नेचुरल सोर्सेज होती है या तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होती हैं। नेचुरल सोर्सेज यानी कि जो नेचर के द्वारा होती है, तो नेचर के द्वारा इट मींस दैट कि अगर फॉर एग्जांपल प्लांट का रेसिड्यू, अगर प्लांट जो है डेड हो गया, तो प्लांट अपने आप में डेड हो गया तो वो नुकसानदायक नहीं है, वो तो मैन्योर बनेगा, वो तो ह्यूमस की तरह एक्ट करेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे जला दिया, ठीक है, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट, आप देखेंगे अक्सर लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं फिर उसको जला देते हैं, अगर आपने उसको जला दिया तो उससे आपको देखने को मिलता है हाइड्रोकार्बन रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। सेकेंडली बात करते हैं एनिमल रेसिड्यूज़ की, तो एनिमल रेसिड्यूज अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है, इट्स अ मैन्योर फॉर दी सॉइल, लेकिन अगर आप इसको जो है देखेंगे कि एक्सेसिव ऑर्गेनिक कंटेंट्स जो है वो भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, इससे हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाती है सॉइल के अंदर। तो ये चीज़ आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की, मतलब ह्यूमन मेड सोर्सेज की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अल्टीमेटली हम जितना भी पानी घर से, जितना भी वेस्ट जो है जनरेट करते हैं हमारे घर में से, उसमें से बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और कुछ जो होता है इनऑर्गेनिक होता है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट तो चलो डिकम्पोज हो जाएगा, बट इनऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज नहीं होगा, और अक्सर हम क्या करते हैं दोनों को मिक्स करते हैं और जो है डंप आउट कर देते हैं लैंडफिल में। इससे नुकसान ये होता है कि वहाँ का जो पूरा एरिया है, सॉइल है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर वैसा नहीं रहा जैसे आज से 100 साल पहले था। अब एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हो रहा है और ये सबसे कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन इसके चक्कर में, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में हम देख रहे हैं कि ये केमिकल्स जो है रेनफॉल के थ्रू जो है वाटर बॉडी में एंटर हो जाते हैं, रेनफॉल के थ्रू ये पानी, ये केमिकल्स जो है प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज जो है एफ्लुएंट्स का जो है कहीं ना कहीं डिस्पोजल करती है, डिफरेंट तरीके के एफ्लुएंट्स का, और कहीं ना कहीं इसमें मर्करी, लीड, कैडमियम, क्लोरीन, फ्लोराइड, ये सब हो सकता है, और ये सब वो लोग कहीं ना कहीं कोई डंप हो रहा हो वहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर देती है, जिससे आपको सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात तो हम पहले कर चुके थे, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ से जो है जब वो तरीके के वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं ओपन में, तो वो बहुत सालों तक के, फॉर ईयर्स, वो जो है अपना रेडियो एक्टिविटी जो है रेस, अल्फा बीटा गामा रेस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है एमिट करते जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन से फर्टिलिटी आपकी कम हो जाएगी सॉइल की डेफिनेटली, और आप जो है फिर आपको उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको फर्टिलाइजर डालना होगा, तो अल्टीमेटली वो साइकिल जो है कंटिन्यू होते जाएगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि सॉइल पॉल्यूशन से वहाँ के जो माइक्रोबियल पॉल्यूशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पर जितने माइक्रोब्स हैं वो भी अफेक्ट हो गए, बिकॉज आप देखेंगे कि जो आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं फॉर किलिंग द पेस्ट, इससे वहाँ के जो नेचुरल माइक्रोब्स हैं वो भी जो है उनकी भी डेथ हो जा रही है, एंड माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर द सॉइल। फ्लोरा एंड फौना इससे आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो माइक्रोब्स यूजफुल है सॉइल के लिए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंडली बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम एमिशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड और इन सब का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, ये सब जाते हैं इन दी एयर, एटमोसफेयर में जाते हैं, प्रेसिपिटेशन जब होता है, बारिश होती है, तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। एक बेसिक इक्वेशन में आपको बताऊँ तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और फॉर्म करेगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर एसिड, और इससे जो है आपको देखने को मिलता है एसिड रेन आपको देखने को मिलती है। सो एसिड रेन जो आपको मिलती है इससे क्या होगा, एसिड रेन से पॉल्यूशन, जो एसिड रेन कहाँ गिरेगी, सॉइल पे गिरेगी, सो अल्टीमेटली H2O लिखना था, सॉरी, तो H2O जो है जब मिक्स होगा तो ये H2SO4 बनाएगा यहाँ पर,
H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पानी के थ्रू आएगा सॉइल में तो इससे एसिडिटी सॉइल की बढ़ जाएगी और इससे प्लांट जो है ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडली मैंने आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में तो बता ही दिया, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब कंट्रोल कैसे करना है, तो हमें पेस्टिसाइड कंट्रोल करना चाहिए, सेकेंडली हमें फर्टिलाइजर के कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। पॉल्यूशन जो है हमें जो गार्बेज के थ्रू हम फैला रहे हैं उसे हमें कंट्रोल करना है। एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हमें एमिशन पे चेक करना है और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हमें कंट्रोल करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ग्लॉसरी में हम आ चुके हैं, इसमें आपको डेफिनेशन दी गई है, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको चैप्टर जो है क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपका AEC इम्यूनिटी एनहेंसमेंट कोर्स खत्म हो जाएगा। और आई होप ये आपको जो है सीरीज जो आप बने हुए हो स्टार्टिंग से लेसन नंबर 1 से और आप इसे कवर करते जा रहे हो, बिकॉज 2 क्रेडिट का कोर्स है लेकिन इसमें मार्क्स आपको अच्छे आने चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल CGPA है वो अच्छा आए। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।